दोस्तों ई श्रम कार्ड के मैं दो पार्ट बना दिया हूँ जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आई बटन में भी मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे। उन दोनों को देखने के बाद जितने आपके सवाल आए हैं इस वीडियो में, पूरा कन्फ्यूजन जो भी रहा है इसको पूरा क्लियर कर दूंगा इसमें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। दोस्तों क्या था कि काफ़ी लोग ये सवाल आ रहे थे कि कितनी एज लिमिट होती है इसमें, कौन सी वाले एज वाले बना सकते हैं। दूसरी बात, क्या 330 रुपये जो कट रहे हैं क्या वो पैसा कटते हैं या नहीं कटते हैं, इसके कौन कौन से बेनिफिट है, पाँच सात बेनिफिट है वो बेनिफिट मैं आपको पूरे बताऊंगा इसमें। नुकसान क्या होता है क्या नहीं होता उनके मैं पार्ट बना दियो, डिस्कशन में जाके उनको देख लेना आप किसका नुकसान होगा किसका नहीं होगा। लेकिन आज इसमें जो भी आपकी जो बारीकी से जो चीज़ें रही है, जो आपका कन्फ्यूज डाउट रहा है, इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए दोस्तों, ई श्रम जो कार्ड है वो उनकी जो एज लिमिट बताई गई है, आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो 16 साल के अभाव और 69 साल से कम वाले बना सकते हैं। जी हाँ, एक सवाल कमेंट आया था कि 60 साल के बाद वाले भी बना सकते हैं, कि जी नहीं, 69 साल वाले से लेके 16 साल से लेके 69 साल वाले ही बना सकते हैं इस चीज़ को। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की बात आई थी, इसमें बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। देखो, पहले तो एक आधार कार्ड आपका जो सभी का बना रहता है, ठीक है, आधार कार्ड में लिंक जो मोबाइल नंबर, दूसरी चीज़ ये होती है, और तीसरी चीज़ होती है आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल। जी हाँ, तीन ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ई श्रम कार्ड बनाने के लिए। आपका दो डाउट में क्लियर कर दिया भाई, एज तो इसमें 16 साल से अभाव होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए और 69 साल से कम होनी चाहिए, वही ई श्रम कार्ड बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है वो मैं आपको बता दिया, आधार कार्ड में जो लिंक रहता है नंबर वो, और साथ में आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल वाला लगता है। अगला सवाल जो इसमें मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज, सबसे ज़्यादा जो वीडियो गलत बने हुए थे इस चीज़ों के लिए, उन चीज़ों को मैं बारे में बता देता हूँ, क्या 330 रुपये हर साल कटेंगे इसमें। देखो, ऐसा कभी कोई है नहीं, आप जाके इस श्रम की वेबसाइट पे जो पोर्टल है वहाँ पे जाके रीड करोगे अच्छे से तो आपके सालाना 12 रुपये कटेगा, मतलब पर महीने का 1 रुपये आपका कट रहा है, ठीक है, तो 12 महीने का 12 रुपये ही कटेगा आपका, ज़्यादा नहीं कटने वाला। इस चीज़ के आप माइंड से निकाल दीजिए, जो 330 वाले इसी टाइप के वीडियो बनते हैं तो कोई भी 330 का आपका चार्ज नहीं कटेगा, आपके ओनली 12 रुपये कटेगा, और वो कहीं जाके आपको जमा नहीं कराना है, वो आपके अकाउंट से जो लिंक करोगे उसी अकाउंट से कट जाएगा। अब ये 12 रुपये क्यों कटेंगे, इसका क्या बेनिफिट होता है? देखिए, जब भी कोई भी आपातकालीन सिचुएशन आती है, जब किसी भी कहते हैं कि जो मजदूर लोग होते हैं इनको कोई केंद्रीय सरकार की तरफ से या स्टेट सरकार की तरफ से कोई भी इनको सपोर्ट चाहिए होता है, कभी जैसे अभी कोरोना टाइम था महामारी, तो राशन इनको फ्री में दिया गया था, 1500 से लेकर 5000 रुपये तक इनको दिए गए थे, तो वो जिनके ई श्रम बना हुआ था इनका डायरेक्ट लिंक होता है, पूरा बायोडाटा रहती है इनकी, तो इन चीज़ों के लिए आपके 12 रुपये, साथ में जो आपका इंश्योरेंस होगा एक बीमा, प्रधानमंत्री योजना बीमा होता है, उनके लिए कटेगा आपको। मतलब मान लीजिए एक्सीडेंट, आपकी कोई मौत हो तो हो जाती है, तो आपका जो भी नॉमिनेट रहेगा उसको 2 लाख रुपए का, मान लीजिए आपका हाथ या कोई पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो 1 लाख रुपए तक का आप क्लेम मिलेगा आपको, तो इस वजह से आपका 12 रुपये कटेगा। जी हाँ दोस्तों, 12 रुपये से ज़्यादा आपका नहीं कटेगा, मात्र 12 रुपये, मतलब पर मंथ का आपका 1 रुपये ही कटेगा, ज़्यादा नहीं कटेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल काफ़ी लोगों का कंफ्यूज रहता है कि सर हमको बनाना है नहीं बनाना। देखो, उसके मैं दो पार्ट बना दिया अच्छे से, बट इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि भाई अभी आप पढ़ने लिखने वाले हो तो आप क्यों बना रहे हो, पहले मेहनत करो, अच्छी जॉब लगने की कोशिश करो। ये मजदूरों के लिए होते हैं जिनकी आज़ाद, देश आज़ाद होने के बाद ये पूरा डाटा ना तो केंद्र सरकार के पास था ना स्टेट सरकारों के पास था, जिसे आधार कार्ड बनाने सभी का, इसे जो मजदूर लोगों इनका ई श्रम कार्ड बन जाएगा ना, तो जब मान लीजिए कोई एक फील्ड के जैसे केंद्र सरकार के पास वर्क आता है, काम आता है इस तरह से, ठीक है, कारीगरी का, चुनाई का, बिल्डरिंग का काम आता है मान लीजिए, उस कैटेगरी में अपनी कैटेगरी पूरी अच्छे से भरना आपको, आपको जिस कार्य से आपको जो काम आता है आपको, चाहे वो आपको ई मित्र की दुकान हो, नायक की कटिंग हो, मच्छी की दुकान हो, कारीगरी की हो, बिल्डिंग का काम करती हो आप किसी का भी, ये चीज़ों को आपका जो भी आपका सेक्टर है, जिस सेक्टर में आपका अच्छा अनुभव है, तो ये आपको एडवांटेज रहेगा। मान लीजिए इसका एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, मैं बता देता हूँ आज। सबसे पहले एडवांटेज ये मिलेगा कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है किसी टाइप का, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए बिल्डरों की, मजदूरों की ज़रूरत है उसमें, चाहे कोई बड़ी फैक्ट्री है गवर्नमेंट की, कोई भी किसी टाइप की, तो उस कैटेगरी के लोग निकालेंगे कि इस कैटेगरी में कितने मजदूर लोग हैं, तो उन लोगों के लिए जॉब ज़्यादा से ज़्यादा होंगे,
जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब उनको मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि आप एक जगह करते हो, उसके बाद आप शांति से रह जाते हो कि आपको काम नहीं मिलता है, लेकिन आपको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं काम दिलाती रहेगी, इसका ही बेनिफिट आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। इसके 4 या 5 बेनिफिट है जो टोटल आप ई श्रम वेबसाइट पर जाके देखते हो, उसके बारे में जो पोर्टल है वहाँ पर, वो 5 बेनिफिट दिया गया है इसमें। सबसे पहले तो एक आपकी सोशल सिक्योरिटी रहेगी, पहचान रहेगी आपको, जो बाहर कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते तो आपको एक गलत नज़र से देखा जाता, लेकिन आपके पास एक पहचान रहेगी खुद की कि हाँ मैं, केंद्रीय सरकार मुझे एक पहचान दे रखी है, तो इस चीज के आपके एक तो एक बेनिफिट ये बताया गया। सेकंड बेनिफिट ये है कि जब ये कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे आपकी केंद्रीय सरकार आपको बेनिफिट देना चाहती है, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा, सेकंड बेनिफिट ये बताया गया है इसमें। थर्ड जो बेनिफिट हो रहा है दोस्तों, इसमें इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है, आपको 2 लाख तक का बाय आपके डेट हो जाती है। फोर्थ ये बताया गया दोस्तों इसमें कि अगर आपके, मान लीजिए किसी सिचुएशन में अगर हाथ पैर या कोई कार्य करते हुए आपके साथ कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए आपको 1 लाख तक का क्लेम मिल जाएगा। और पांचवा इसमें ये बताया गया कि आपकी एक अलग पहचान और आपका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस के अनुसार आपका पेमेंट मिलेगा, कि आपको 5 साल का 10 साल का आपके पास एक तरह से सर्टिफिकेट हो जाएगा ये कि हाँ आपको 5 साल का 10 साल का अनुभव है इस फील्ड में, तो आपको अच्छा वर्क मिलेगा, अच्छी जगह काम मिलेगा, अच्छी आपकी मजदूरी मिलेगी, जो भी आपकी पे होगा वो पूरा अच्छा मिलेगा, तो इसका ये फायदा होता है। अब देखो नुकसान की बात करते हैं अपन। देखो नुकसान तो इसमें कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं लड़के कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे डिप्लोमा कर रखे हैं वो लोग कर रहे हैं, अब वो अभी पढ़ने की उम्र है, और छोटे मोटे गवर्नमेंट के कोई छोटे मोटे 1000-5000 के जिसे बेनिफिट के लिए ये बना लोगे तो आप मजदूर की कैटेगरी माने जाओगे हमेशा, ठीक है। आपका अच्छा डिप्लोमा, अच्छा नॉलेज है तो आप उस चीज़ में अलग फील्ड में ट्राई करिए, ये ऑप्शन आप बनाइए, ऐसा नहीं कि आप मत बनाइए, लेकिन आगे चलकर जब तक आपका प्रयास है अच्छी, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, मजदूर क्यों बना रहे हो आप पहले भाई, आपको अच्छी पढ़ाई की हो, अच्छी एजुकेशन की हो, तो उसके बाद तो आप अच्छी करिए ना, कोशिश करिए अच्छी आपको कंपनी मिले, अच्छी जॉब मिले, किसी भी चाहे सरकारी को सेक्टर में मिले या प्राइवेट सेक्टर में, आपको कम से कम अच्छी जॉब तो मिलना चाहिए ना। तो पहले आप, वो यही एक नुकसान है पढ़ने वाले लोगों के लिए, अन्यथा आपकी उम्र जैसे एजेड हो गए आप सरकारी से, या आपके पास कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है किसी भी टाइप का, तो फिर आप बना सकते हो 30 के बाद बना सकते हो कहीं बाद में। भाई आप बिल्कुल ही काम वर्क नहीं कर रहे हो कहीं भी आपकी सरकारी जॉब की, या कहीं कंपनी बाहर से जॉब करने की, सब कुछ उम्मीदें खत्म है, तो फिर बना सकते हो आप, इसका इतना सा ही नुकसान है, अन्यथा बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि मजदूर है इसमें, जैसे किसान, छोटे किसान है, खेती करने वाले हैं मजदूर में, उसी में जैसे कपड़े अपने बर्तन साफ करने, घर का काम करने वाले होते हैं, मच्छी पालने वाले होते हैं, नाई की दुकान वाले, बस कंडक्टर होते हैं, बस चलाने वाले होते हैं, चालक होते हैं, ठीक है, ई मित्र की दुकान पे काम करने वाले, कंप्यूटर के डिप्लोमे वाले, हर कोई के लिए काम होता है, हर किसी के लिए होता है, जिनकी दिनदाड़ी वाले, किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं लोग, अब पर्सनल सेल्फ, मतलब सेल्फ काम करते हैं ना खुद के खुद, एक दिन का काम जैसे आज मजदूरी करने गई, कल का काम का पता नहीं है, किसी के साथ भी काम करने चले जाते, उनके लिए महत्वपूर्ण है ये चीज़। तो ये लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए ये, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप कि भाई आप बाद में बनाइए अच्छे से, लेकिन आपकी फैमिली मेम्बर है कोई ऐसे भी, आपके परिवार माता पिता है, उनके बनवा लीजिए आप, उनको बेनिफिट मिलेगा आपके, ठीक है, भाई है कोई आपके, बड़ा सीनियर भाई है कोई भी, उनको इस चीज़ का पता नहीं तो उनका बना लीजिए, उनके लिए एडवांटेज मिलेगा ये। जैसे कोई मजदूरी कर रहा है आपका परिवार का कोई भी, तो उसका बना लीजिए भाई, परमानेंटली वो मजदूरी कर रहा है तो उसको करा लीजिए, कम से कम एक्सपीरियंस होल्डर, तो उसको एक सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, उसका एक पहचान तो मिल जाएगी कि हाँ इस फील्ड में इसका अच्छा वर्क है, इसको 5 साल 10 साल का अनुभव है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये शोध। तो दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी वजह से मैं इस श्रम कार्ड पे तीसरा जो आपके सवाल आ रहे थे इस पे लेके आ गया। अब आपका कहीं लोगों का सवाल ये भी आ रहा था कि सर हमने बना लिया गलती से, हमारी कुछ मिस्टेक रह गई, तो अब उनका जो भी करप्शन होता है उसको चेंजिंग करना होता है, डिलीट करना, वो चीज़ें हैं, उसका आप चौथा पार्ट लेके आएंगे, उसमें ऑनलाइन बनाना भी सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो चौथा पार्ट आपके लिए वही होगा जिसमें पूरी डिटेल में हम पूरी डिटेल बताएंगे भाई आपको ऑनलाइन कैसे बनाना, घर बैठे कैसे बनाना, या फिर केंद्र पे जाके आप वही केंद्र पे जाके बनाना, ई मित्र पे जहाँ कहाँ कहाँ बन रहा है, हर जगह आपको पूरा प्रोसेसिंग बताएंगे, वो बनाने का तरीका पूरा उसमें समझा देंगे। तो अगर आपको अच्छी नॉलेज है, फ़ोन की भी अच्छी है चाहे कंप्यूटर की भी अच्छी है, तो दोनों जगह आप, मैं बनाना सिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल, लेकिन मैं पार्ट टू पार्ट आपके इस डाउटों को क्लियर करता जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, जिससे आप सभी पार्ट टू को देखें, जितने पार्ट बना दिए उनको सबको देखें एक बार, तो आपके कोई भी डाउट नहीं रखेंगे हम, छोटी छोटी बारीकी से मैं हर सवालों को लेकर आ रहा हूँ, और एक दो दिन में मैं वीडियो पार्ट डालता जा रहा हूँ, जिससे आपके जितने भी सवाल जो है वो आते जा रहे हैं, तो उस पर मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ कि आपका कोई कन्फ्यूज ना रहे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा सेकंड चैनल का लिंक भी रहता है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, और
फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लाइव भी आते रहते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूज है तो वहाँ पे सवाल आप जवाब आप कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।